दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं। इस वीडियो में बता रहा हूं अम्ब्रेला मशीन के अंदर पैपिन फोल्डर कैसे लगाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है पैपिन फोल्डर और ये फोल्डर मैं इस मशीन के अंदर लगाऊंगा, तो मैं इसको रख देता हूं। और ये देखिए ये दांते जो है पैपिन फोल्डर के साथ में ही मिले हैं और ये वाला पैर भी जो है पैपिन फोल्डर के साथ में ही मिला है। तो इन तीनों को मैं सेट करके आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे सेट करते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको नीचे रख लेता हूँ और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, देखिए एक पेचकस लेके इस पैर को जो है हमें खोल देना है। तो पैर मैं खोल दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए एक पेंच ये है, दूसरा पेंच ये है, दोनों पेंच को खोल के हमें पटरी भी बाहर निकाल ले रहा है। और जब तक मैं पटरी खोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए मैंने पटरी भी जो है इसको हटा दिया है। और उसके बाद देखिए ये है दांते, जो दांते इसमें काम नहीं करेंगे तो इसको भी जो है मैं हटा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको फोल्डर लगाना सिखाऊंगा। तो देखिए ये दांते भी मैंने हटा दिए हैं। उसके बाद जो है हमें ले लेना है फोल्डर और फोल्डर को इस तरीके से रख के जिस तरीके से आप जो है पटरी को कसते हैं उसी तरीके से इस फोल्डर को भी हमें कस लेना है। और उसके बाद जो है थोड़ा दांतों को कसने का जो दिक्कत है वो भी मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से इसको कसा जाता है। तो मैं फटाफट जो है पटरी कस लेता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इसको कैसे सेट करते हैं दांते। तो देखिए ये पटरी जो है इसमें हमारी टाइट हो गई है। और उसके बाद जो है देखिए ये है दांते और ये दांते मैं इसमें सेट करके दिखाऊंगा कि कैसे सेट करा जाता है। देखिए ये दांते जो है हमने इस तरीके से रख दिए हैं। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, एक पेंच लेके इसमें लगा देना है। थोड़ा दिक्कत से लगता है इसमें दांते क्योंकि जो है हमारी मशीन सिविल पे सेट थी और मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि इसमें कैसे लगाते हैं। आप वीडियो में बने रहें, बगैर स्किप करें देखें। तो देखिए ये जो है मैंने इसको जो है दांतों को कस दिए हैं और उसके बाद जो है इसमें जो कुछ अहम बातें हैं वो क्या है, देखिए ये जो दांते हैं पटरी के तीनों जो है खांचों में बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए जो है हम इसको क्या करेंगे, मशीन को जो है हमें इस तरीके से जो है रख लेना है। और उसके बाद देखिए ये जो लट है इस लट से जो है हम इसको सेट करेंगे। एक पेंच ये है और दूसरा पेंच ये है, दोनों पेंच से जो है हम इधर उधर एडजस्ट करेंगे और हमारा जो है पटरी के खांचे में दांत को बिल्कुल फ्री आना चाहिए। तो देखिए ये फटाफट जो है मैंने 14 नंबर की चाबी ले ली है और उसके बाद जो है मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरीके से दोनों साइड जो है एडजस्ट करके मतलब दांतों को जो है बीच में लेके आना है पटरी के। और इस बात का खास ख्याल रखना है, देखिए जो है थोड़ा टाइट हो गया है तो ये जो है मैं थोड़ा लूज कर देता हूँ। अगर आपका टाइट हो जाए तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसको लूज पे सेट करना है। जब मशीन फ्री रहेगी आपकी जब ही अच्छी चल पाएगी। तो देखिए इसको मैंने जो है लूज करा है। अब देखिए ये बराबर काम कर रहा है और इसको मैं कर लेता हूँ टाइट और उसके बाद मैं आपको एक सेटिंग और समझाता हूँ। तो देखिए एक बार मैं पहले दिखा दूँ आपको, देखिए ये जो है बिल्कुल बीच में आ गया है और बराबर ये सेट हो गया है और काम भी अच्छा कर रहा है। उसके बाद देखिए ये जो है दांते थोड़े आगे हैं और इसको जो है हमें इधर नहीं पीछे के साइड जो है करना है, क्योंकि अगर जब हम तेज स्पीड में चलाते हैं तो ये दिक्कत देती है। तो मशीन को जो है हमें इस तरीके से जो है रख लेना है और उसके बाद जो है देखिए एक पेंच ये है, इसको जो है हमें खोल लेना है। और खोलने के बाद जो है मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ देखना है आपको और इधर जो है ऊपर करना है। थोड़ा सा आपने ऊपर कर लिया और उसके बाद जो है आपको फिर सीधी तरीके से मशीन रख लेना है। उसके बाद चेक करना है आपको कि देखिए ये इसमें गैप बना नहीं बना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी गैप हो गया है, आपको भी इसी तरीके से गैप बना के फिर दोबारा से इसी तरीके से मशीन रख लेना है और फिर उस पेंच को टाइट कर देना अच्छी तरीके से। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप टाइट नहीं करते हैं दोबारा जब चलाएंगे तो खुल के आवाज़ आने लगती है इसमें से। और फिर उसके बाद जो है हमें पैर लगाना है। पैर लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी सेटिंग आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। देखिए मैंने पैर लगा लिया है और ये देखिए इसमें थोड़ा सा जो है इसका खांचा बराबर नहीं बैठ रहा है, इसका हॉल जो है। तो मैं दूसरे साइड से आपको दिखा दूँ, देखिए इसका हॉल नहीं बैठ पा रहा है। तो आपको क्या करना है, एक पेचकस लेना है और पैर के इस पेंच में लगा के इस तरीके से आप जिधर दिल चाहे उधर कर सकते हैं। जैसा मैं कर रहा हूँ आपको भी इसी तरीके से करना है। और ये देखिए बराबर ये सेट हो गया है। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, स्लाइड लगा देना है। और अब आती है पैपिन लगाने की बारी। तो मैं ले लेता हूँ पैपिन का कपड़ा और इसको जो है मैं काट लेता हूँ और काटने के बाद मैं इसको लगा के आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है इसको इसमें फंसाना है हमें और फंसा के इस तरीके से रख देना है और उसके बाद जो है इसके अंदर को कर देना है। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, एक बारीक सुई ले सकते हैं आप, कोई भी सुई ले सकते हैं। तो देखिए मैंने सुई ले लिया है। सुई लेने के बाद जो है इसको हमें इस तरीके से आगे की तरफ को करना है और उसके बाद हमें पैर उठा के और फिर जो है इसको हमें चुटकियों में पकड़ के और पैर के नीचे को कर देना है। तो अब आ गई है इसकी टेस्टिंग की बारी। तो मैं इसको जो है ले जाता हूँ और चला के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे चल रहा है। तो देखिए मैं फटाफट धागा डाल रहा हूँ
और उसके बाद मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए मैंने धागा जो है इसका निकाल लिया है, और निकालने के बाद मैं इसके धागे को पीछे कर देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं ले लेता हूँ। देखिए ये ले लिया मैंने कारपेट जिस पे मैं आज आपको चला के दिखाऊंगा। तो देखिए कारपेट लगा दिया मैंने, उसके बाद जो है मैं इसको चला रहा हूँ, और पैपिन में क्या दिक्कत है और नहीं है वो अभी मैं सब चलाने के बाद दिखा दूँगा आपको कि कैसी दिक्कत है। देखिए ये पैपिन जो है इस वक्त जो है नया है फोल्डर, तो ये बराबर सेट है, दोनों लब एक सी आ रही है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको जो है मैं पूरा निकाल लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको हटा के और फोल्डर की सेटिंग मैं आपको समझाता हूँ कि फोल्डर की सेटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए ये जो है लब दोनों बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये नया है, और इसकी लब की सेटिंग के लिए जो है इसको कैसे सेट करते हैं वो आइए मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले जो है मैं आपको एक बार कपड़ा दिखा दूँ। देखिए ये जो लब की सेटिंग है, ये जो मोटे बारीक लब होते हैं, देखिए ये जो लब की सेटिंग है इसको जो है हम क्या करते हैं, दोनों साइड के लब जो है इस वक्त बराबर आ रही है। तो इसके लिए जो है हमें जैसे मोटा हमें लब लेना है ज़्यादा चौड़ा, तो उसके लिए जो है हमें क्या करना है, इसको जो है देखिए आप एक बार इसको ध्यान दीजिए। देखिए ये जो है हमें इस साइड करेंगे जब हम बाहर के साइड, तो लब हमारा जो है देखिए इस वक्त जो है इधर से हमने इधर को कर दिया, तो ये मोटा हो गया लब इसमें। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, मोटा या बारीक अपने हिसाब से सेट करेंगे। और जैसे कि हमें बारीक लेना है तो हमें जो है क्या करना है, इसको इस तरीके से दूर करेंगे, दूर करेंगे तो हमारा जो है ये लब जो है इसमें बारीक हो जाएगा जब इस साइड हम कर देंगे। तो अब देखिए ये जो अंदर और बाहर के लब का सेटिंग होता है, जैसे कि अंदर का लब का सेटिंग जो है क्या है कि बारीक है और ऊपर का जो है मोटा है, तो इसको सेटिंग के लिए जो है देखिए एक तो पेंच ये है और दूसरा वाला जो है ये है, जिस पेंच को मैं खोल रहा हूँ इसको खोल के आपको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट किस तरीके से करते हैं देखिए मैं बता देता हूँ आपको। तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जैसे हमें इसको ऊपर लेना है, जब ऊपर हम लेते हैं तो ऊपर का लब जो है मोटा हो जाता है और नीचे का जो है हमारा ये वाला लब जो है ये बारीक हो जाता है। तो इसको हमें बारीक करना है और मोटा करना है, तो उस हिसाब से देखिए इसको जो है मैं नीचे करता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कि ये मैंने नीचे कर दिया, तो नीचे वाला जो है लब मोटा हो गया, ऊपर का बारीक हो गया। तो इसी तरीके से एडजस्ट कर लें और जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ पे सेट करके इस वाले पेंच को दोबारा से हमें जो है टाइट कर लेना है। जैसा मैं टाइट कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको टाइट कर लेना है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।